खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजित अग्रणी बैंक कैनरा बैंक द्वारा आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर लोकमंच बागपत जिलाधिकारी राजकुमार यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने अग्रणी बैंक कैनरा द्वारा कराए गए कार्य का सराहना की और उन्होंने कहा कि समस्त बैंक अधिकारी यह बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में आ रहा तो उसे आवश्यकता है, इसलिए जरूरतमंद की आवश्यकता को पात्रता के आधार पर पूरा किया जाए। मैं अश्विनी कुमार, क्षेत्रीय पनबंधक, बागपत जिला से यहाँ पर पोस्टेड जी। यहाँ पर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम किया गया, जिसमें हम लोग यहाँ पर अग्रणी बैंक भी हैं 55 शाखाओं के साथ बागपत जिला में। जितनी भी किसानों की समस्याएँ हैं, कर्ज दे करके उसको पूरा करते हैं, और साथ में जो MSME छोटे कुटीर उद्योग हैं, 10 लाख तक जो भी लोन देते हैं हम लोग, वो हम लोग कैटर करते हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होती है। बिना सिक्योरिटी के हम लोन देते हैं। जितने भी MSME में कार्य करने में लोग आते हैं, प्लस एग्रीकल्चर में जो भी लाभार्थी हैं, उनको हम लोग पूरा सहयोग देते हैं। और अभी जैसे आज हमने ये जो कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम किया है, जिसमें सारे बैंकों ने मिलकर के 75 करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट किया है, जो तकरीबन 3301 कस्टमर हैं जिसको हमने इस योजना का लाभ पहुंचाया है, जिसमें हमारा कैनरा बैंक अकेले 45 करोड़ रुपए डिसबर्स किया है, और जिसमें कस्टमर की संख्या 1608 हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक स्पेशल ड्राइव करके ये काम कर रहे हैं, ताकि ऐसे है तो हम साल भर काम करते और करते भी रहेंगे, लेकिन इस ड्राइव के अंतर्गत जो फ़ायदे पहुँचे हैं किसानों को, वो तुरंत आपको दिख रहा है। इसको हमारे जिला के DM साहब ने भी संबोधित किया और इसको कंफर्म किया है, और इसका लाभ आपको आगे चलने वाले समय में आपको जिला में दिखाई पड़ेगा। द्वारा कैंप लगाया गया सर कलेक्ट्रेट में, और आप भी आए और आपने ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि क्या क्या बैंक की सुविधाएं हम लोग जनता को देते हैं। उसी संबंध में मैं ये मेला टाइप का लगाया गया, जिसमें लोग आएँ, जाने के बैंकों की क्या व्यवस्था है, जो हम लोग स्वरोजगार की योजनाएँ चला रहे हैं बैंकों के माध्यम से, उनमें क्या व्यवस्था है, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए प्रचार प्रसार का एक माध्यम है।